हाय गाइस, मैं हूँ मोनिका। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की रेसिपी बेहद आसान है। आज मैं बना रही हूँ आलू के चीज़ी स्नैक्स। बहुत ही आसान होंगे बनाने और बच्चों को बेहद ही पसंद तो आएंगे ही। दोस्तों, इनकी खासियत यह है कि एकदम से क्रंची भी रहेंगे और सॉफ्ट भी रहेंगे और चीज़ी भी रहेंगे। खाने में बहुत लजीज होंगे, बनाने में बेहद आसान होंगे। सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट से हम ये बेहतरीन स्नैक बना पाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं आलू के चीज़ी स्नैक्स। बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आलू। आप थोड़े से बड़े साइज़ के आलू लें, इन्हें छिलके सहित आप धो लें। धोने के बाद दोस्तों छीलना चाहे तो छील सकते हैं, नहीं तो मैं छिलके के साथ ही बनाऊंगी। आलू को इस तरीके से थिक स्लाइसेस में काट लें। देखिए, मैंने इस तरह से लंबाई में इन्हें काट लिए, थोड़े से थिक स्लाइसेस बनाएं। तो इन्हें इस तरीके से काटने के बाद दोस्तों हम उबालेंगे। आप ये काले ना पड़ जाएं तो फटाफट से इन्हें उबलते पानी में हम डाल देते हैं। तो देखिए, आलू एक तरफ पॉट में बॉईल हो रहा है, मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। आप 1 से 2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करें और साथ ही आलू के टुकड़े जो हमने स्लाइस निकाल कर रखे इसमें ऐड कर दें। बॉइलिंग पानी है, आंच को तेज़ी रखें और आलूओं को हम उबालेंगे अच्छे से ताकि सॉफ्ट हो जाएं। आलू दोस्तों कच्चे हैं तो इन्हें उबलने में 10 मिनट तक लग सकते हैं, तो मैं तेज़ आँच पर इसे खुला इन्हें पका रही हूँ ताकि मैं चेक करती रहूँ कि ओवर कुक ना हो जाए। अगर आलू ज़्यादा गल जाएंगे तो हमारी जो स्नैक इतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो इन्हें सॉफ्ट कुक करें कि अच्छे से गल जाए। देखिए, मैं चाकू से प्रिक करके देख रही हूँ, आलू 10 मिनट में अच्छे से गल गए। अब इन्हें निकाल लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं, इस पर ठंडा पानी डालते हैं। तो देखिए, आलू मैंने टोकरी में निकाल ली है। मैंने स्लाइसेस जो अच्छे से कुक्ड हैं, बॉयल्ड आलू हैं, लेकिन टूट नहीं रहे हैं, ये फर्म है। आप इतना ही पकाएं कि अच्छे से इन्हें हम बाद में हैंडल कर सकें। दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है दोस्तों चीज़। आप मोज़रेला चीज़ लें, जो पिज़्ज़ा चीज़ मिलता है उसे ग्रेट कर आप पहले से ही रख लें। साथ में दोस्तों थोड़ा सा ही हमें नमक चाहिए, क्योंकि चीज़ में नमक होता है। बटर यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा नमक होता है, लेकिन हम नमक स्प्रिंकल ज़रूर करें। थोड़ा सा मेल्टेड बटर है जिससे हम पैन को ब्रश करेंगे। दोस्तों ये पिज़्ज़ा सीजनिंग है, थोड़े चिली फ्लेक्स हैं। जब भी आप मार्केट से पिज़्ज़ा मंगाते तो इस तरह के सैशेज मिलते हैं जो बच जाते हैं। दोस्तों उन्हें संभाल कर रखें, हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो घर पर भी पिज़्ज़ा सीजनिंग इटालियन सीजन बन जाती है। मैं इसका वीडियो शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, ये लिंक मैं शेयर कर लूँगी डिस्क्रिप्शन में। मैंने एक तरफ पैन कम आंच पर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब मैं आलू पर दोस्तों थोड़ा सा चीज़ लगा रही हूँ। इस तरीके से आलू पर पहले चीज़ लगाएं, सभी पोटैटो स्लाइसेस पर लगा दें चीज़। अब हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग या इटालियन सीजनिंग। दोस्तों आप मार्केट वाली लगा सकते हैं, नहीं तो घर पर भी बहुत ईजीली बन जाती है। खाली आप ऑरेगानो बेसिल लगाएंगे या खाली ऑरेगानो लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। और अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं पिज़्ज़ा सीजनिंग, तो इसका लिंक मैं आपको कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। चीज़ लगाने के बाद मैंने पिज़्ज़ा सीजनिंग लगाई है। आप पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं लगाना चाहते, ऑरेगानो और बेसिल लगा सकते हैं, नमक काली मिर्च लगा सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी लगा देते हैं। आप चाहें थोड़ा सा गार्लिक क्रश कर भी लगा सकते हैं। तो देखिए, अब मैं थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चुटकी भर नमक सब आलू के टुकड़ों पर स्प्रिंकल कर दें ताकि आलू में बिल्कुल फीकापन ना रहे इस तरह से। तो देखिए, हमारे आलू जो हैं अब पैन में कुक होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इस पर हमने जो सीजनिंग करनी थी कर दी थी, पैन में रखते हैं। पैन को कम आंच पर गर्म करें और कम आंच पर ही हम ये डिश बनाएंगे। तो आप सबसे पहले बटर स्प्रेड करें पैन में अच्छे से। ये तवा गर्म है और मैं इस पर आलू के स्लाइसेस लगा रही हूँ। आप 4 से 5 या 6 स्लाइस एक साथ पका सकते हैं। तो आप अभी तो पैन गर्म है, लेकिन आँच को हम कम रखेंगे और कम आँच पर पोटैटो के स्लाइसेस को कुक करेंगे। दोस्तों बहुत यमी लगेंगे, आप देख रहे हैं आँच कम है और हमारे जो आलू हमने रखे हैं वो पहले से ही बॉयल्ड हैं। और चीज़ को हम दूसरी तरह से ढककर पकाएंगे। ये आलू कुरकुरे हो जाएंगे हमारे बॉटम से, ऊपर से चीज़ मेल्ट हो जाएगा और उबला आलू दोस्तों और अच्छे से कुक होने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट इन माउथ होगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। आप इसमें अपनी पसंद से और सीजनिंग जैसे ऐड करना चाहें, आप टोमेटो केचप लगाना चाहें, लेकिन ये यूँ ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। दोस्तों आलू कुक होने में 10 मिनट लग जाएंगे, आप ढक्कन हटाकर चेक कर सकते हैं। देखिए, आलू हमारे बिल्कुल जो बेस है उससे बिल्कुल कुरकुरे हो गए हैं, बहुत अच्छे कुक हो गए हैं, आप देख रहे हैं। आप इन्हें अच्छे से कुरकुरा करें, इससे पहले जल जाए आप निकाल लें। तो 10 मिनट तक कम आंच पर कुक करेंगे तो बहुत अच्छे से आलू पक जाएंगे। आलू के कुरकुरे चीज़ी स्नैक्स बिल्कुल बन के रेडी हैं, इन्हें मैं सर्व कर रही हूँ। आप इन्हें गर्मा गर्म ही सर्व करें। आप इन्हें चाहें तो पहले बनाकर रख सकते हैं, आप बाद में तवे पर फिर से गर्म करके या माइक्रोवेव करके भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये जब सर्व करें तो बिल्कुल गर्म हो तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो मेरे घर में तो रेसिपी बहुत ही टेस्ट, बच्चों से बड़ों को सबको अच्छी लगी। उम्मीद करती हूँ आप ये रेसिपी जल्दी ट्राई करेंगे। इस कुरकुरी रेसिपी को आप जल्दी ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर कि घर पर आपने बनाई, कितनी फटाफट बनी और कैसी लगी सबको। तो इस उम्मीद के साथ दोस्तों आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और एक बाइट लेनी तो मेरी भी बनती है। इतने गर्मा गर्म खुशबूदार आलू के स्नैक्स बन के रेडी हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में और मेल्ट इन माउथ तो होंगे ही। दोस्तों फिर अगली बार दोस्तों नई रेसिपी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों,
और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।